अच्छा टाइगर श्रॉफ के देखे हो? टाइगर श्रॉफ मुझे ठीक है, हाँ कुछ नहीं बोलता कुछ। हाँ तो दोस्तों बड़े मियाँ और छोटी मियाँ का यहाँ पे शूटिंग है जो कि नेटफ्लिक्स पे पिक्चर आने वाली है, उसी का आज हम लोग शूटिंग करने वाला है। तो चलिए चल A few moments later. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज है जो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का शूट है उसका प्रमोशन है जो नेटफ्लिक्स पे आने वाला है। तो भाई कैमरा में इधर फंस गए। तो दोस्तों यही बैनर है और आज यहाँ पे हम लोग का जो भी शूटिंग होगा वो सारी चीज दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आज अक्षय कुमार सर को और टाइगर साहब सर को दिखाऊंगा क्योंकि आज हम लोग गाड़ी आ चुका देख सकते हैं। और ये सब भाई लोग हैं अपना भाई भाई सबको हम लोग अभी साथ में हैं अभी यहाँ। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं टी सीरीज ऑफिस में जहाँ पे हम लोग का शूटिंग है और देख सकते हैं ये है बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का प्रमोशन जो कि नेटफ्लिक्स पे आने वाला है उसी का आज शूटिंग है और काफ़ी मजा आएगा। तो वीडियो देखिए बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है। तो दोस्तों हाल ही में अक्षय कुमार जी का और टाइगर श्रॉफ जी का ये पिक्चर रिलीज हुआ है जो कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ है, काफ़ी बेहतरीन पिक्चर है। अभी मैं तो देखा नहीं हूँ, सिर्फ मैं ट्रेलर देखा हूँ। तो इसी का आज हम लोग प्रमोशन के लिए आया हूँ जो कि नेटफ्लिक्स पे आने वाला है, ये बहुत बड़ा पिक्चर है। तो दोस्तों चलिए आप लोग को मैं ले चलता हूँ स्टूडियो के अंदर, वहाँ पे जो भी हम लोग शूट करेंगे वो सारी चीज़ का वीडियो आप लोग को बताऊंगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी मजा आने वाला। तो हम लोग यहाँ पे 8 आदमी आए थे और जितना भी गाड़ी का सामान था सब हम लोग चौथे महले पे पहुँचा दिया और देख सकते हैं किस तरह से हम लोग अपना सेटअप तैयार कर दिए। लाइटिंग का ऊपर से भी पूरा अपना स्कीमर लगा दिया और लाइटिंग पूरा रेडी कर चुके हैं। और ये आप जो बैकग्राउंड देख रहे हैं यहीं पे अक्षय कुमार जी और टाइगर साहब सर आने वाले हैं और यहीं पे शूटिंग होगा उनका। अभी देख सकते हैं हमारे भाई लोग यहाँ पे कैसे अपना लाइट सेटअप तैयार किए हुए हैं, ये पूरा देख सकते हैं। इधर से कैमरा रेडी हो गया है तो इस तरह से कुछ स्टूडियो के अंदर यहाँ पे भाई लोग गले मिल रहे हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट में ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे कितना पैसा मिलेगा। तो हम लोग को बाद में पता चलता है कि कितना पैसा यहाँ पे मिलेगा, तो जब पता चलेगा हम लोग को तो फिर बताऊंगा आप लोग को। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कितना मेहनत से हम लोग ये सेटअप पूरा रेडी किए हैं। आप ही जो ये दीवार देख रहे हैं ना ब्लू कलर का, ये भाई एक प्लास्टिक का पत्रा जैसा वो बनाया रहता है। ये कुछ आपको अंदर से मैं दिखा रहा हूँ जो ये रेड कलर का पीछे से कलर दिया गया है जो कि ये लाइट के द्वारा दिया गया है। आप लोग कभी ये भी सोचते होंगे कि अक्षय कुमार के टाइगर साहब के शूटिंग में खाना नाश्ता कैसा मिलता है, तो कुछ इस तरह का नाश्ता मिल रहा है अभी। हम लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करने के बाद में फिर काम करेंगे, फिर खाना मिलेगा। भाई यहाँ पे था गर्म गर्म दूध, तो हम अभी यहाँ पे दूध पी रहे हैं देख सकते हैं। और यहाँ पे कलिंगा रखा हुआ है। हाँ चल हेलो भाई, ये जो लड़का वीडियो बना रहा है इसकी जिसका नाम है जय कुमार, इसका देख लो इसको आगा आप भी बैठा हूँ अभी सेटअप तैयार हो गया है, बैठा है इधर बैठ के शॉपिंग मारा दे। तो भाई शूटिंग में मेहनत एक तरफ और हम लोग का हंसी मजाक एक तरफ, इस तरह से हम लोग खेल कूद के अपना टाइम पास करते रहते हैं जब सेटअप तैयार हो जाता है तो, और काम अपना करते रहते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि सब सेटअप रेडी है, अक्षय कुमार जी का और टाइगर साहब जी का वेट हो रहा है यहाँ पे इंतजार में हम लोग, जैसे आएंगे शूटिंग चालू हो जाए। तो अभी आर्टिस्ट के आने में बहुत देरी था तो हम लोग को बोला गया कि भाई आप लोग खाना खा के रेडी हो जाओ। तो हम लोग अभी यहाँ पे खाना खाना है, क्या क्या खाना मिला ये दिखाता हूँ। रोटी है और फ्राई चावल है और मिक्स सब्जी है और जो कटोरी में देख रहे हैं ना पीला टाइप का वो मैंगो का जूस है। तो मुंबई का भाई नियम है खाना के साथ में स्वीट मिलता है। तो दोस्तों शूटिंग समाप्त होने के बाद में बड़े बड़े यूट्यूबर और बड़े बड़े मीडिया वाले लोग आए हुए थे, जो बॉलीवुड का मीडिया वाले होते हैं ना जो पिक्चरों का ज़्यादा प्रमोशन करते हैं और बताते हैं कि इनका पिक्चर रिलीज हो रहा है, वो सब लोग आए हुए थे। तो ये पोस्टर के सामने ये लोग अपना वीडियो बनवा रहे हैं और जितने भी मीडिया वाले हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये लोग अपना कुछ बता रहे हैं, फोटो वोटो ये सब खिंचवा रहे हैं। तो मैं भी वहाँ पर गया और आप लोग के लिए भाई वीडियो बनाया क्योंकि आप लोग ही तो मेरा जान हो भाई, तो इसके लिए आप लोग के लिए मैं वीडियो बना दिया इस तरह से। भाई एक बात बताऊं, किसी को भी भाई ये दो आदमी भाई फ़ोटो नहीं दिया, किसी भी मीडिया वाले को, किसी भी बड़ा से बड़ा यूट्यूबर था जो अपना मीडिया टाइप का चलाता है ना जो बॉलीवुड के ही बारे में सिर्फ बताता है, किसी को भी फ़ोटो नहीं दिया, सिर्फ वीडियो बना सकते हो बस। आप लोग को क्या लग रहा है कि हम लोग खरीद के खा रहे हैं, एक दोस्त का बैग में से चुरा है तभी खा रहे हैं, देखना कैसे अभी छुपाएंगे हम लोग। तो फाइनली दोस्तों आज हम लोग का बहुत जल्दी पैकअप हो गया है भाई, 6 से 7 घंटा में ही हम लोग आज पैकअप हो गया है। और अभी हम लोग फटाफट सामान लपेट रहे हैं, इसको लपेट के फिर हम लोग लिफ्ट के जरिए हम लोग 4 महला पर से नीचे उतारेंगे, फिर गाड़ी में लोड करके फिर ले जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग का हो चुका है पैकअप, हम वीडियो अंदर नहीं शूट कर पाए हैं क्योंकि वहाँ पर झंझटिया आदमी होता है।
और भाई लोग अभी सब यहाँ पे पैरा तक है, क्या इंतजार कर रहे हो? गाड़ी इंतजार, अभी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। अभी मुंबई का ट्रैफिक आप लोग को दिखाऊं तो देख सकते हैं इधर से कितना मुंबई का ट्रैफिक है, ये देख सकते हैं कलू यादव जौनपुरिया, ये है मुंबई का ट्रैफिक। अभी यहाँ पे देख सकते हैं लोड हो रहा है गाड़ी, अभी अपना नहीं है, दूसरा आदमी का गाड़ी है, स्पोर्ट वाले का है। हाँ तो अक्षय कुमार के देखे हो? अक्षय कुमार के देखे हो? नहीं, उनका पोस्टर देख रहा हूँ। पोस्टर अंदर नहीं देखे हो? अंदर शूटिंग आप देखे हो? मैं तो देखा भी अक्षय कुमार। किसको? अच्छा टाइगर श्रॉफ के देखे हो? टाइगर श्रॉफ मुझे ठीक है, हाँ कुछ नहीं बोलता, कुछ ज्यादा वो नहीं है, कूल बंदा है। फिर भी पोस्टर देख रहा हूँ सोनू भाई के जैसा। अंदर नहीं देखा है? अंदर देखा अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, उसका मेकअप मैन, सबको देखा है? सबको देखा है। अच्छा बंदा तो बेचारा बहुत बुरा बोल रहा है, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो तुम? क्या बोलने दो, सबका अपना अपना विचार है, अपना विचार है। तो आप लोग का कैसा विचार है आप लोग कमेंट में बताना। तो भाई दोस्तों रात का भी लगभग 11 बज चुका है और हम लोग अभी आए हैं शूटिंग पर से, रूम पे पहुंचा हूं। तो आप लोग को मैं बता दूं कि वहां पे कितना हम लोग को पैसा मिलेगा और काम कितना हुआ है, सारी चीज़ें भी बताता हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले बता दूँ कि हम लोग का पैकअप हो गया लगभग 5 से 6 बजे के बीच में पैकअप हो गया और गाड़ी उड़ी लोडिंग करते उड़ते हम लोग को 8 बज गया। फिर उसके बाद में हम लोग ऑफिस पे आए, गाड़ी खाली किए और भाई दूसरा शूटिंग आ गया कल के लिए। तो हम लोग क्या किए कि फिर गाड़ी लोड किए, दूसरा सामान जो भी सामान आया था, जैसे जो भी सामान लोड करना था वो सब हम लोग फिर से वापस लोड किए। और उसके बाद में अभी हम आ रहा हूँ भाई रूम पर, पहुँचा हूँ, अभी चावल बना चुका हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को, देख सकते हैं इसमें चावल बना चुका हूँ, दाल अभी इसमें चढ़ाया हूँ और यहाँ से अभी भुजिया काटूँगा मस्त, गोभी का आलू ऐसा बनाऊँगा, फिर खा के सो जाऊँगा। अब कल जाने वाला हूँ भाई शूटिंग में, वहाँ पे कृति सेनन आने वाली है जो कि कुरु पिक्चर उनका रिलीज हुआ है ना बहुत दिन पहले ही, तो नेटफ्लिक्स पर आने वाला है पिक्चर, इसके लिए ही उसका शूटिंग है, तो उसमें ही जाने वाला हूँ। और आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पे हम लोग को पूरा एक शिफ्ट काम हुआ, मतलब एक दिन का, तो हम लोग को 1500 ही रुपया मिलेगा और 150 रुपया ऐसे मिलेगा। दोस्तों आप लोग ये भी सोचते होंगे कि पिक्चर में तो हम लोग हमेशा काम करते हैं, सब जगह बड़े बड़े हीरो हीरोइन के दिखते हैं, तो आप लोग ये भी कभी कभी मन में सोचते होंगे कि अक्षय कुमार कैसा आदमी है, टाइगर श्रॉफ कैसा इंसान है, क्या वर्कर के साथ में कुछ सेल्फी वेल्फी हो गया या बातचीत करता है। तो भाई सबसे बड़ी बात बताऊँ तो अक्षय कुमार हो गया और जो भी बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर हैं थोड़ा अलग माइंड का इंसान है, और अपना जो ऋतिक रोशन हो गया, उसके बाद में टाइगर श्रॉफ हो गया, उसके बाद में अपना ये विधु जमाल हो गए, ये सब भाई अच्छे आदमी हैं। ये लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए अपने खुद ही बोलते कि आ जाओ फोटो खींच लो, लेकिन ये लोग ये अक्षय कुमार में वो नहीं भाई, उसके सामने अगर तुम मोबाइल निकालोगे तो बोले क्यों मोबाइल क्यों निकाला, कोई अगर वीडियो बना देगा तो बोलता है कि ये मोबाइल क्यों वीडियो क्यों बना रहा है, तो इस टाइप से बात करता है। क्योंकि मैं ये अपना आया था ना सेल्फी पिक्चर खींच ले सेल्फी वाला, वो भी मैं पिक्चर किया था, तो उसमें भी एक ट्रक ड्राइवर वाला जैसे कि जो ट्रक पर से ही वीडियो बना रहा था तो उसको इस तरह से बात बोल दिया था, तो कुछ उसका माइंडसेट अलग है भाई, वो तो हमको पसंद ही नहीं है कसम से बोल रहा हूँ। लेकिन टाइगर साहब अच्छा है भाई, वो तो भाई फोटो खिंचा रहा है। एक वीडियो अभी जो मैं बनाया हूँ तो सबको यूट्यूबर लोग वहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर आया था मीडिया वाला, तो वो लोग बना रहा था, तो मैं भी बनाया इसके लिए नहीं बोला, नहीं तो भाई हमको ये बोलता कि वीडियो क्यों बना रहा है, तो ऐसा इंसान है भाई। तो आप लोग कैसा, तो आप लोग को कैसा लगता है अक्षय कुमार आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलिए वीडियो लास्ट होता है, कल का वीडियो भाई जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें कृति सेनन आने वाली है और वहीं पे जाने वाला हूँ नेटफ्लिक्स में, जहाँ का हमारा वीडियो वायरल हुआ है और उस वहाँ पे 3 लाख लोग हमारा वीडियो देखा था, तो आप लोग भी देखे होंगे, तो आप कल के लिए रेडी रहिए भाई।